हेलो, कृषण भाइयो फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे SDS रामसाइट कंपनी का रामसल्फ का बारे में। इसमें कंपोजिशन क्या रहता है, उसका फसलों में उपयोग करने के बाद कौन कौन सा बीमारी को आप नियंत्रण कर सकते हैं, कौन कौन सा कीटों को आप नियंत्रण कर सकते हैं, इसके अलावा सुबह मात्रा कितना फसलों में छिड़काव करना है, इसका प्राइस कितना रहता है, लगभग A to Z बात करेंगे रामसल्फ का बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किशन भाई, रामसल्फ जो दवा इसमें कंपोजिशन रहता है, जो एक फंगिसाइड भी है, जो एक एकारिसाइड भी है, जो से डबल टॉनिक इसमें है, जैसे क्या होता है कीटों भी नियंत्रित होता है, उसके अलावा फंगल का जो समस्या होता है खेती बारी में उसको भी नियंत्रित कर सकता है। किशन भाई, इसमें जो कंपोजिशन रहता है सल्फर 80% WDG फॉर्म में रहता है, जो बेहतरीन काम करता है फसलों में फिर बीमारी को नियंत्रित करने के लिए और कीटों को नियंत्रित करने के लिए। किशन भाई, आए बात करेंगे फसलों का कौन कौन सा बीमारियों को आप नियंत्रित कर सकता है रामसल्फ जो दवा इसका उपयोग करने के बाद, इसका बारे में बात करें। जैसे आप किशन भाई क्या करने, जैसे आपका बीमारी आता है लीफ स्पॉट, इसके अलावा जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, इसका स्कैब जो फसलों में बीमारी आता है आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं रामसल्फ उपयोग करके। इसके अलावा कौन कौन सा कीटों का आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे रामसाइट जो दवा है उसका उपयोग करने के बाद, जैसे कीट किशन भाई क्या होता है माइट का वजह से जैसे फसलों का पत्ता मुड़ने वाली वो जो बीमारी आता है आपको नियंत्रित कर सकते हैं माइट का वजह से, जैसे रेड माइट, येलो रेड माइट, इसके अलावा क्या आता है बैड माइट जो कीटों फसलों में आते हैं आप आसानी से आपको नियंत्रित कर सकते हैं, जो सल्फर 80% WDG फॉर्म में रहता है, बेहतरीन काम करता है SDS कंपनी का रामसाइट। कृष्ण भाई, आई बात करेंगे रामसल्फ आप कौन कौन सा आपका खेती बाड़ी में फसलों का सब्जियों का खेती बाड़ी में उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में। जैसे कृष्ण भाई क्या करना है, मिर्च का खेती बाड़ी में आप उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा बैगन का फसलों में, इसके अलावा जैसा क्या होता है मैंगो का फसलों में, इसके अलावा अंगूर का फसलों में, लगभग सब्जी वर्गीय फलों में आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। क्या होता है फलों में क्या होता है ज़्यादातर जैसे स्कैब का बीमारी आता है, जैसे फ्रूट में स्पॉट हो जाता है इसका बीमारी आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे लीव स्पॉट जो बीमारी आता है सब्जियों का खेती बारी में, क्या होता है पत्तों में स्पॉट का जो बीमारी आता है आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं रामसल्फ उपयोग करके आपका खेती बारी में। जिसका कितना छिड़काव डोज का कितना छिड़काव करना है इसके बारे में भी अभी बात करें। जैसे किशन भाई क्या करने, कोई भी सब्जियों में उसका उपयोग करते हैं उसका डोज लगभग क्या करने, आप 2 किलो 800 से 1000 लीटर पानियों में घोलकर अच्छे से स्प्रे करना है, और पहला स्प्रे करने के बाद उसका सब्जियों का खेती बाड़ी में फलों का खेती बाड़ी में पहला स्प्रे करने के बाद लगभग आप क्या करना है 21 डेज के बाद दूसरा स्प्रे करना है, क्योंकि उसका जो छिड़काव करने के बाद उसका जो डोज का कीमत का जो 80% जो सल्फर रहता है फसलों में ज़्यादा दिन रह जाता है, इसलिए इसका 21 डेज के बाद आप दूसरा बार फसलों में उपयोग करना जो बेहतरीन काम करता है लीफ स्पॉट, इसके अलावा जैसे स्कैब जो बीमारी आता है इसको नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा जैसे माइट के वजह से क्या होता है, जैसे मकड़ी की वजह से फसलों में क्या होता है पत्ता मुड़ने वाली बीमारी ज़्यादातर आ जाता है, जैसे कीड़ा का फसलों में, इसके अलावा करेला का फसलों में, लौकी कद्दू का फसलों में, मिर्च का फसलों में आप अच्छा से उपयोग करना। माइट कंट्रोल करने के लिए आप क्या करना है जो रामसल्फ जो दवा है आप अच्छा से उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। मिर्च का फसल में क्या करना है आपको बीमारी जैसे फैलने से पहले से आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। इसके बाद जैसे बीमारी आने के बाद भी उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। इसलिए क्या किसान भाई को अगर दिक्कत होता है फूल आने के बाद मिर्च का फसल में आप उपयोग करना है क्या नहीं करना है आपको दिक्कत होता है क्या करना है किसान भाई, मिर्च का फसलों में फूल आने के बाद भी आप उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी समस्या नहीं होगा, बहुत अच्छा काम करते हैं मिर्च का फसलों में जो माइट का वजह से जो पत्ता मुड़ने वाली बीमारी आता है। कृष्ण भाई, SDS रामसाइट कंपनी का जो रामसल्फ है उसके साथ दूसरा कोई भी फंगिसाइड कीटनाशक एक साथ मिक्स करके भी आपका फसल में उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। इसलिए क्या करना है उसके साथ दूसरा कोई भी कीटनाशक नहीं तो आप क्या करना है फंगिसाइड एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जरूरत होगा तो यूज़ करना। कृष्ण भाई, इस वीडियो में बात किया था SDS रामसाइट कंपनी का जो रामसल्फ है इसके बारे में, उसका डोज कितना फसलों में छिड़काव करना है, इसके अलावा उसका फसलों में कौन कौन सा फसल में आप उपयोग करना है, फसलों में क्या काम करता है, लगभग A to Z बात किया था। किशन भाई क्या करना है आपको, दूसरा कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं।